सबसे पहले तर्ज जो आई है उसको सुने आप, उसके बाद मर्ज की ओर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मिलेगा, इसीलिए तो वो बंबई वाले हैं, इसीलिए बंबई वाले हैं। और वाकई में बहुत अच्छी पंक्ति लिख दी है, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा और मुझको मेरे बाद ये जमाना ढूंढेगा। आदरणीय दादा श्री पूजन दादाजी, वाकई में आपने सबसे बात कही है, क्योंकि आप स्वयं में इतने इतने रचनाकार हैं। हालांकि आप दूर हो गए हैं, लेकिन हम लोगों के पास हमेशा रहेंगे। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो आज हम आप लोगों के बीच में है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वाकई में ये पानी का बुलबुला है जीवन, न जाने कब कैसे कहाँ फूट जाए, इसलिए चार दिन की जिंदगी है, हंस गा कर निकाल लो। लोग जब भी याद करें सम्मान से याद करें, जैसे आज हम लोग बहुआ को याद करते हैं, भले वो शरीर से नहीं है, लेकिन जहाँ पर सच्चा कीर्तन होता है वहाँ पर कोई भी कीर्तन कलाकार हो, लेकिन वो आते जरूर है जहाँ पर कीर्तन होता है। जहाँ पर कीर्तन नहीं होता है वहाँ पर ऐसे कलाकार नहीं आते भैया। आजकल कीर्तन होता कहाँ है, वहाँ पर कीर्तन नहीं होता, इसलिए देखिए। वाकई में अब मैं जो आपको कटबीज दे रही हूँ, निवेदन है आप लोग सुने। बहन कल्पना जी, वैसे तो ये बात त्रेता की है, लेकिन मैं इस लाइन को कलयुग में भी सार्थक कर दूंगी। और कैसे, कैसे? सो पर नारे लीला रे गोसाई तजहु चौथी के चंद की नाई, अरे चौदह भुवने एक पति हो जानकी का हरण करके रावण ले गया,
भैया विभीषण समझा रहे हैं, भैया अभी भी मान जाइए, पटल को वापस कर दीजिए, क्योंकि ये साधारण नारी नहीं है। और कैसे सो पर नारी नारी गोसाई तजहु चौथ के चंद के नारी। बार बार समझा रहा है लेकिन नहीं मान रहा, और जब नहीं मान रहा तो देखिए मुझे कहना पड़ा, ये त्रेता की है और आप कलयुग में भी इसको देख सकते हैं, हमारे और आपके बीच में होता है, लोग करते हैं लेकिन बड़े सावधानी से करते हैं। कैसे सुने मुकेश भैया, अरे मीठा जहर होती पर नारी। आदरणीय दत्ता जी, ये जो पर नारी, अपनी नारी की बात नहीं हो रही, पर नारी, और ये पर नारियां कैसी हैं, ये स्वीट पॉइजन का काम करती है, ये मीठा मीठा काम करती है। जब तक दिए हो तब तक आओ, और जब खत्म हो गया तो बेटा जाओ, जाओ। ये वो है, इसीलिए कहते हैं अर्धांगिनी तो एक ही होती है, धर्म पत्नी एक ही होती है। ये बात सही, लेकिन अब ठीक है, आजकल का जमाना ऐसा है कहा। सही। सुने आप कैसे यार, कहना पड़ा मुझे, अरे मीठा जहर होती भी बरना, कौन उसी से ये काया होती, कौन उसी से ये काया होती, जिनकी इनसे दूरी होती है, किससे, पर नारी से, जिनकी दूरी है वही सुखमय है, और जो दो नाव में पैर रखेंगे देखो कितनी जल्दी डूबते हैं, पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। तो इसलिए कहना है क्या, अरे सुंदर सुनिए उसकी, उससे लाइफ होती है, न माने तो आजमा कर देख लीजिए। और क्या, सुंदर सुनिए उसकी, उससे लाइफ होती है, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में एक वाइफ होती है। दो रख के देखो, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, फिर देखो समस्या। okay. कई लोग परेशान हैं, इसी बीमारी से ग्रसित हैं, हालांकि खुल के नहीं आ रहे लेकिन है, तो इसीलिए ये बात तो सही है, लॉकडाउन लगे तो कहीं जा भी नहीं पाओ। अरे सुंदर सुनिए, एक वाइफ होती है। ये मेरी ओर से कटपीस और गीत रहा। आइए, बहुत ही सुंदर सा, हाँ कोई नहीं बताता, लेकिन दीदी सच्चाई अधिक दिन तक नहीं छुपती, कभी ना कभी तो खुलेगी, आजकल फोन है, व्हाट्सएप है, कभी तो फोटो वायरल हो ही। हाँ ये बात सही, नहीं खुलेगी तो त्योहार में खुलेगी, कहाँ कहाँ सामान पहुँचाएंगे त्योहार का। आइए, बहुत सुंदर सा चक्र लेकर आ रही हैं हमारी छोटी बहन कल्पना जी। बढ़िया कार्यक्रम अभी आप लोगों ने सुना है, आदरणीय बहन जी की तरफ से
बढ़िया जवाब सुने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल सुना है और बढ़िया बढ़िया बातें बहन जी ने की है। और क्या बैठे उसके साथ बहन जी ने डांटा बहुत है, बहुत डांटा लेकिन गुजिया नहीं मिली। डांटने के साथ दो चार गुजिया दे देती तो लड़की को तसल्ली हो जाती। बोली कल्पना बिटिया तुम घर से सीधी भूखी चली आई हो, घर से कुछ खा के नहीं आई हो, भूल गई आपने कहा था कि आना तो हम खिलाएंगे कुछ खा के ना आना। रात बड़ी मुश्किल से कट रही है समझो। और उसके बाद आपने कहा ये हमारे संस्कार नहीं है, आपको संस्कार दिए गए हैं। मेरे हिसाब से मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जहां आप संस्कारों पर भी उंगली उठाने लगे। और क्या मैंने कोई ऐसा तर्क या कुतर्क मेरी तरफ से नहीं हुआ था जहां आप कहने लगे कि ये आपके संस्कार नहीं है, साथ सिखाया नहीं है तुमको पिताजी ने, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। संस्कार बहन जी जो आपके हैं वही हमारे हैं, जो आपके हैं वही आपके हैं संस्कार, वो जो कुछ बचे वो ले गए संस्कार। तुरंत रोक देते हैं, जहां गलत बात हो। बहन जी मैंने प्रयास किया कि मेरी तरफ से कोई गलत बात ना हो, सवाल जवाब थोड़ा इधर उधर होता रहता है, और क्या कभी आपकी तरफ से कभी मेरी तरफ से, लेकिन कभी मैं यही चाहती हूँ कि कीर्तन में हम आप में ऐसा ना हो कि इतनी बात आ जाए। फिर आपने कहा कि जगदीश बाबा से करियो मिठाई लाया। हाँ, मिठाई। अच्छा क्या दिक्कत आ गई आपको? और क्या मैदान में डिब्बा रखा है दो चार पीस तुम भी उठाओ। बोले मांग के खा रही हो ये संस्कार नहीं है ना, ब्राह्मणों का तो काम ही यही है। बहन जी और क्या धन्यवाद है, जब तक ब्राह्मण को मिलेगा तब तक काय का ब्राह्मण, ले ना पाए तो काय का ब्राह्मण। समझो। और मैंने किसी पराये से नहीं अपने ही लोगों से कहा था अगर आपको बुरा लग रहा नहीं खिलाना है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है ना। कुचिया समर्प्यामी। बड़ी तकलीफ हो गई इनको गुजिया के लिए, मैंने क्या कह दिया। कहने लगी आप कह रही है कहाँ पढ़ा है बहन जी, मैंने ये नहीं कहा था कि कहाँ पढ़ा, मैंने ये कहा था मेरी समझ से परे है, मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। और क्या चैनल चल रहा है बाद में कार्यक्रम को सुनिएगा तो आप सुनेगी, इसमें मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहाँ पढ़ा बताइए, नहीं मैंने कहा कि आपने पढ़ा होगा मेरी समझ से परे है, मैंने नहीं पढ़ा। तो आपने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आपने पढ़ा नहीं है, तो बहन जी सच्चाई ये है कि इतने ग्रंथ हैं, इतनी पुस्तकें हैं, ना आप कभी पूरा पढ़ सकती है ना कभी हम पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने कहा कि घर पे आना हम बताएंगे और कुछ देना। देना चलिए हम देंगे तब हमको बताएंगे, इतने लोग दे रहे हैं तो इनको बता दो कम से कम, है ना, हमको ना बताओ, हमें नहीं जरूरत है आपके तीन पैर की, रखे रहो अपने पैर। और क्या रखो, हमें कहा लेना ना तीन चार पैर से रखो, हमको जवाब देना था सो हमने दे दिया बस, बाकी ये लोग तो दे रहे पुरस्कार इनको बता दो कम से कम। जब बताओ। इनको बताओगी तो हमारा हित हो जाएगा, हम भी सुन लेंगे। क्योंकि मुझको ये जमाना ढूंढेगा, क्या बात है मुझे बेटा, क्या बात बेटा, छपा छपा छपा
Yeah.
बचपन में गोड हसबैंड होता है, जिसके जीवन में भगवान उसका पति हो, अरे उसके जीवन का कभी ना एंड होता है, अरे जिसके जीवन में गोड हसबैंड होता है, जिसके जीवन में गोड हसबैंड होता है, जिसके जीवन में गोड हसबैंड होता है, धन्यवाद है हो जाए भैया के लिए। पूजनीय हमारे पिताश्री और इनके फूफा जी हैं और गोपाल भैया के फूफा जी हैं। एक बताना चाहूंगा, ये बच्चा बहुआ का ही शागिर्द है, यूं तो इनके मामा का, बहुआ के मामा का लड़का है। बहुत कम उम्र से ये मुझे लगता है जवाबी मंच पर पहली बार बजा रहा है, और ये लड़का गुड़गांव में रहता है, कल आया है, मुझे आज देखने को मिला, मैं अपनी खुशी को कुछ कह नहीं सकता। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बउआ ने जो अपनी फसल बोई है, मुझे लगता है यूपी एमपी में तो शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जो बउआ ने अपने पुरुषार्थ से एक विधा की स्थापना की और उस स्थापना को प्रमाणित किया। प्रमाणित करने के बाद आज मैं भी कीर्तन कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मेरी अपनी समस्याएं थी। बहुत ही मैं सराहना करता हूं इस बच्चों को, इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद करता हूं। किसी प्रकार से जब कभी जीवन में अवसर मिले तो इस कला को कभी अस्त न होने दें, क्योंकि मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम में गीत, गीत में हम हैं, गीत हमारा जीवन है, हम गीतों में रहते हैं, घन गीत हमारा उपवन है। जय हो जय हो जय हो। ये उन्नाव की धरती है और मेरा जीवन वहां से शुरू है जहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य नंदूलारे वाजपेयी, प्रताप नारायण मिश्र, जिसने लिख दिया जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। वो प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी का जन्म, हिंदी कविता का जन्म इसी धारा से, उन्नाव से हुआ है। आइए, मैं व्यवधानित हुआ इस कार्यक्रम के बीच में, लेकिन मेरे मन के उद्गार नहीं मैं अपने आप को रोक पाया, दृष्टतावश। आइए पुनः कल्पना जी, आइए। हेलो हेलो,